हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम कुछ एक एब्रिविएशंस करने जा रहे हैं। हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमारा टॉपिक है। ये हमारी 6th यूनिट है जो हमारा NTA UGC NET JRF 2020 होम साइंस का यूनिट 6 है, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन। सो उसी में ही कुछ एक एब्रिविएशंस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा जैसा ही सिलेबस चेंज हुआ है, आपको पता है, और ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो एक ना एक एब्रिविएशंस हमें देखने को मिली है। लास्ट ईयर भी हमने इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली कुछ एक क्वेश्चंस में एब्रिविएशंस, इवन दो वन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था जिसके अंदर एब्रिविएशंस थी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस गृह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था और उसके अंदर डायरेक्ट थी, तो उसमें गृह भी थी। गृह क्या होती है? हमारी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। यहाँ पर आज जितनी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनको ही याद कीजिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा लर्न करने की बजाय अगर आप 10-10 में या 5-5 ही याद करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगी। नेक्स्ट इज़ आर लीड, LEED, दैट इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। BEE इज फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज BRI इज बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस, कि कौन सी हमारी बिल्डिंग से रिलेटेड इलनेस हो जाती है हमारे बिल्डिंग्स के अंदर। देन SBS इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। DOI इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। IAQ वी ऑल नो इज इंडोर एयर क्वालिटी। ये हमारे पेपर 1 के अंदर भी आता है और पेपर 2 के अंदर भी है हमारी इंडोर एयर क्वालिटी। नेक्स्ट है FSI, दैट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये हमारा पिछले बार दिया हुआ था, उसके अंदर ये ऑप्शन था, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देन FAR भी दिया हुआ था, फ्लोर एरिया रेशियो, कि फ्लोर की और का एरिया की रेशो कितनी होती है। OPEC इज आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऐसी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोलियम को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज LDCs इज लेस डेवलप्ड कंट्री, जो कम डेवलप्ड कंट्री हो उसके बारे में। ECBC इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। नेक्स्ट इज आर NMEE, दैट इज नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान के तहत आता है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी। एंड लास्ट इज NBC, ये भी हमारा लास्ट ऑफ जो 2019 के अंदर था उसके अंदर ऑप्शन था, द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, कि हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है इंडिया के। सो आज के लिए इतनी ही एब्रिविएशंस हम लेके आए हैं आपके लिए। होपफुली आपको ये जो बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इनको लिख के लर्न कर सकते हैं, आज का एक पर्टिकुलरली अपना मोटिव तैयार कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बाकियों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।